तो ये देखिए रात के 1 बज रहे हैं और अब मैं यहाँ देहरादून से निकल रहा हूँ उर्गम जाने के लिए, और मुझे प्रदीप सेठ लेने आ रखा है, तो हम जा रहे हैं प्रदीप के साथ, तो हम दोनों पहुँच जाएंगे 1 बजे। रात को निकल रहे हैं हम देहरादून से, 2 बजे हम पहुँचेंगे ऋषिकेश, 3 बजे हम पहुँचेंगे देवप्रयाग, 4 बजे हम पहुँचेंगे श्रीनगर, थोड़ा हम आराम करेंगे, फिर 6-7 बजे हम वहाँ से आगे को चलेंगे, और होपफुली 10 बजे तक हम जोशीमठ और 11-12 बजे तक उर्गम पहुँच जाएंगे। तो मित्रों अभी बज रहे हैं सुबह के 3, और इस समय मैं हूँ लक्ष्मण झूला यानी कि ऋषिकेश के पास। आप देख सकते हैं मेरे पीछे है लक्ष्मण झूला एनक्लेव, ये देखिए लक्ष्मण झूला एनक्लेव। तो 3 बजे भी मतलब यहाँ ऋषिकेश में आगे बैरियर लगता है, तो उन्होंने मैं जाने नहीं दिया, उन्होंने कहा 3:30 आइए। तो अगर आप रात को ट्रैवल कर रहे हैं तो 3:30 से पहले नहीं खुलता है। देखो यहाँ बर्गर किंग खुला हुआ है, डोमिनोज पिज्ज़ा खुला हुआ है, 3 बजे भी, ये नाइट लाइफ है ऋषिकेश की, ये अवेलेबल है यहाँ पे, आप जाके खा पी सकते हैं। लेकिन हमें क्या लेना बर्गर किंग से और डोमिनोज से, वो तो देखो चाय की टपरी, तो वहाँ चलते हैं और चाय पीते हैं। सुप्रभात मित्रों, आज लगे हुए घाटी में बादल, श्रीनगर पहुंचने वाले हैं मात्र 5 किलोमीटर, और ये है आपके लिए कीर्ति नगर। बादल लगे हैं तो आज है बर्फबारी की आशंका पूरी तरीके से। ये देखिए पहुंच गए हम श्रीनगर, और श्रीनगर बड़ा बाजार होने के साथ यूनिवर्सिटी का केंद्र भी है, पढ़ाई के लिए देश विदेश से दूर दूर से छात्र यहाँ आते हैं। तो अब हम सुबह सुबह करीब 7:53 यानी कि 8 बजे हम श्रीनगर पार कर रहे हैं, और ऊपर आसमान में बादल लगे हुए दिख रहे हैं, यानी कि बर्फबारी की पूरी आशंका है। तो ये देखिए ये है चौरास परिसर का गेट, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, और आगे बढ़ते हुए तो ये रेलवे का काम चल रहा है इस तरफ। तो ये लो देखते देखते हम पहुंच गए रुद्रप्रयाग यानी कि घोलपीर अपने गांव के पास, और ये मैंने एक मित्र के लिए ट्रिमर यहाँ काफी टाइम से रखवा रखा था, उसे भी ले लिया मैंने राणा जी के लिए। और ये देखिए ना पेड़ पूड़ मत निकालो उसमें से, और बस चलो चले ऊपर को। तो ये लीजिए देखते देखते हम पहुंच गए करण प्रयाग, और सुबह के लगभग बज रहे हैं 10, और बस करण प्रयाग से भी आगे बढ़ते रहेंगे अपनी मंजिल की ओर, यानी कि फूलों की घाटी। तो ये देखिए राहत सामग्री जारी है जनपद चमोली जोशीमठ में घटित आपदा हेतु, तो ये देखिए सरकार ने राहत सामग्री पहुंचानी शुरू कर दी है, जो कि बहुत ही अच्छी पहल है जिला प्रशासन हरिद्वार के द्वारा, बहुत ही सही। चलो हम भी पहुंचे जोशीमठ टाइम से। तो ये देखो मित्रों सामने बर्फबारी शुरू हो चुकी है, हमें यहाँ से दिख रहा है, आपको शायद ना दिख रहा हो, देखिए बर्फबारी, अब दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ऊपर ये ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है उर्गम घाटी में। जल्दी से पहुंचते हैं बर्फबारी का मजा लेने घाटी की ओर, चलो चलें। तो ये देखिए ये ठीक चमोली से पहले वाला बड़ा रगड़ा है, और इस पे भी काम चलता ही जा रहा है काफी टाइम से। इस तरफ आपके कुठियाल सैंड दिख रही है, महालखनंदा दिख रही है, गोपेश्वर
शहर का नज़ारा और बहुत ही खतरनाक पैच है, देख सकते हैं आप। पहले मोटरसाइकिलिस्ट निकले हैं सारे और मोटरसाइकिलों के पीछे पीछे हम भी बने हुए हैं। तो ये देखिए हमारा ब्रह्म कमल बिरही में उगा रखा है जो हमने, जो सीमट से 45 किलोमीटर पहले। ये देखिए बिरही का ब्रह्म कमल, वाह सुंदर। तो ये हम पहुंच गए MCT यानी के मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो कि यूरेशियन प्लेट को हिमालयन प्लेट से या इंडियन कॉन्टिनेंटल सब कॉन्टिनेंटल प्लेट से जोड़ता है। और उसको हमने क्रॉस कर लिया। तो ये 2900 किलोमीटर लंबा थ्रस्ट है जो पूरी हिमालयन बेल्ट को जोड़ता है, उस पार जाता हुआ गौरीकुंड की तरफ। सामने मंदिर दिख रहा है हनुमान जी का, वो मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी बैठे थे अपनी पूंछ लटका के, और भीम ने जब उसे लांघने की कोशिश की तो उन्होंने कहा खुद ही हटा लो, तब यहाँ पे भीम का घमंड टूटा था। तो ये ठीक पाताल गंगा के ऊपर है, ये पाताल गंगा ब्रिज है, और यहाँ से नंदा देवी नेशनल पार्क की फॉरेस्ट रेंज भी शुरू होती है। ये कहेंगे नंदा देवी नेशनल पार्क, जय श्री राम, जय नंदा देवी राष्ट्रीय राजमार्ग पार्क जोशीमठ। दुर्गम घाटी में प्रवेश करते हुए, ये घाटी का प्रवेश मार्ग है। सड़क की स्थिति काफी दयनीय है पर फिर भी धीरे धीरे हम चलते हुए और देखते हुए कि उधर से कोई आ तो नहीं रहा। अरे देखिए सड़क बहुत ही खतरनाक है। और कुछ नहीं निकला मुझे भाई, ये तो बहुत ही खतम सड़क है। तो ये देखिए उर्गम की वादियों में प्रवेश करते हुए, और वो देखिए ऊपर बर्फ लग रही है बंसी नारायण बुग्याल में आपके लिए। देखिए बर्फ लगती हुई साक्षात ऊपर बुग्याल वाले क्षेत्र में, और नीचे गांव तक अभी बर्फ नहीं पहुंची है इस सीजन। चले बने रहें, देखते हैं आगे क्या होता है, क्या बर्फ पड़ेगी, देखते रहे हम लोग टिंग टॉन्ग। तो वो देखिए सामने बर्फबारी का नजारा असली खड़क बुग्याल से, पूरा बर्फबारी में पहाड़ पूरे छुप गए हैं, और यही है देखिए आचरी धार पे बर्फ हो रही है, बंसी नारायण पे बर्फ पड़ रही है, आगे वाले माली बुग्याल तक बर्फ आ रही है हल्की हल्की। तो जल्दी पहुंचेंगे और आनंद लेंगे घाटी में। उर्गम पहुंच गए हैं, ऊपर बर्फ लगी है बुग्यालों में, और देखिए हमारा एक और मित्र हमारे साथ जो है राहुल पोखरी से, वो भी आगे आगे चला हुआ है, ये भी हमारे मित्र है, और जल्दी पहुंच गए घाटी के अंदर। तो ये लीजिए फाइनली घाटी में प्रवेश हो गया, और अब यहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर का पैदल सफ़र है। तो मेरे साथ मेरे मित्र आ रखे हैं पोखरी से राहुल भाई, पीछे प्रदीप सेठ, हम साथ ही चले थे। तो बस पहुँचते ही हैं ऊपर, तो बहुत थकान लग रही है क्योंकि बहुत दिनों के बाद चढ़ाई चढ़ रहे हैं। तो आपसे ऊपर ही मिलते हैं अब, धन्यवाद। तो ये लीजिए चलते चलते मैं और प्रदीप फाइनली पहुँच गए ऊपर। प्रदीप थकान तो नहीं लगी ज्यादा? ग्रेटेस्ट व्यू कम्स आफ्टर हार्डेस्ट क्लाइंब,
बहुत इंजॉय किया हम स्वर्ग में इस समय। ठीक है, बहुत अपने बड़े भाई के साथ। तो चलो अब करेंगे आगे की व्यवस्थाएं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले लगाएंगे पानी।